तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे कि बाबा जी की जो कॉन्शियसनेस है, यहाँ पे एक वननेस का कॉन्सेप्ट है कि सारे देवी देवता आप देख रहे हो ना, सभी अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की तस्वीरें हैं और एक्चुअली ये ऐसा ही है करके। इसलिए यहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं, रिलीजियस जगहों पे लोग बहुत पहुँचते हैं। आपने नीम करौली बाबा के यहाँ पे देखा होगा कितनी भीड़ थी करके, है ना, क्योंकि सबको पता है कि यूनिक हनुमान जी की कॉन्शियसनेस है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा वननेस का कॉन्सेप्ट है कि हर इंसान पहुँच सकता है। जैसे एक टाइम था कि शिरडी पे बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि शिरडी साईं बाबा में वननेस का कॉन्सेप्ट है, उनमें सब गॉड गॉडेसेस की कॉन्शियसनेस है, तो अब वहाँ भीड़ होने लगी है। तो आने वाले 10 साल में भी यहाँ बाबा जी के यहाँ पे आप देखना बहुत रश होने वाला है, बहुत रश होगा, क्योंकि अब लोगों को क्लिक हो रहा है कि मुझे कॉलिंग है, मुझे बाबा जी बुला रहे हैं, मुझे बाबा जी बुला रहे हैं, जबकि एक्चुअली में कोई जानता भी नहीं है, लेकिन कॉलिंग सबकी है, पुलिंग है, एक मैग्नेटिक पुल है करके। बट एनी हाउ हम यहाँ पे जैसे आज मेडिटेशन करवाया, साइलेंस मेडिटेशन हम ज़्यादा करेंगे, और जितना साइलेंस में रहेंगे आप, तो आपका जो हायर सेल्फ है वो कनेक्ट जल्दी हो जाएगा उनसे जिनसे आप जुड़े हो करके, जो भी आप गुरु से जुड़े हो, गॉड गॉडेस से जुड़े हो, उनसे कनेक्ट जल्दी हो जाओगे आप, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मंदिरों में जाके एनर्जी बढ़ती है, ऐसे जगहों पे आके कॉन्शियसनेस बढ़ती है, चेतना बढ़ती है, ये डिफरेंस यहाँ समझ लो करके। यहाँ पे हमारा सोल नेक्स्ट लेवल पे जाता है। मंदिरों में जाके सिर्फ कुंडलिनी ऊपर आती है, मैनिफेस्टेशन ईजी होता है, चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स हो जाते हैं, राइट। लेकिन ऐसे जगह पे आके आपकी सोल नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो इसका फ़ायदा क्या है, आपको जन्म कम लेने पड़ेंगे। सोल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए फिर से एक जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर इसी लाइफ में हमने अपनी कॉन्शियसनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले गए, तो आपको नहीं लगता आपके जन्म बच जाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? यही बॉडी है, यही माइंड है, और हमारा सोल नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है करके। लेकिन ऐसा ही है कि यहाँ ज़्यादा विश क्रिएट ना करें, मटेरियल डिज़ायर क्रिएट ना करें। जो भी डिज़ायर क्रिएट करनी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कीजिए, मुक्ति के लिए डिज़ायर क्रिएट कीजिए। बिकॉज यहाँ जितने भी बैठे हैं संत साधु बैठे, गॉड गॉडेसेस हैं, या तो इन्होंने लाइव समाधियाँ ली है, या एनलाइटन हो गए, या तो मोक्ष में गए, या तो मुक्ति हो गए, तो ये लोग भी आपको वहीं ले जाएंगे जहाँ खुद चले गए हैं करके। यहाँ ऐसा कोई नहीं बैठा है जो सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के बाद यहाँ इनकी कोई तस्वीर लगी पड़ी है करके, राइट। भले आपको यहाँ कनेक्शन फील नहीं भी होता होगा ना, लेकिन आप इतना तो उसको एक्सेप्ट करिएगा कि भाई मुझे भी उस पथ पे जाना है जहाँ पे मुझे लाइफ एंड डेथ की साइकिल से मुझे फ्रीडम मिले करके, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और आपके साथ जितने भी हज़ारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, वो भी आपके पीछे पीछे फ्री होते जाएंगे, तब जाके कभी पॉपुलेशन कम होगी। अदरवाइज ये पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जाएगी अगर एक के बाद एक सिर्फ डिज़ायर ही क्रिएट करें तो। 2014 में 10 साल पहले एग्जैक्टली मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था, जब पंचगनी की एक रिट्रीट में किसी को चैनलाइजिंग में ये मैसेज मेरे लिए आया था कि मुझे माओतार बाबा जी के केव्स जाना है। मुझे पता ही नहीं था वो कौन है माओतार बाबा जी, लेकिन मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, और ये मैसेज था कि मुझे 12 लोगों के साथ ही आना है, अकेला नहीं आना है यहाँ पे। तो मैं सोच रहा था 12 लोग कौन मेरे साथ आएंगे करके, बट एनी हाउ कैसे भी करके 12 लोग आए यहाँ पे। हम लोग 12 दिन यहाँ रुके और हमने यहाँ पे खूब मेडिटेशन की, और उसके बाद टोटली हमारी लाइफ चेंज हो गई करके 2014 के बाद। तो आप भी यहाँ से एक्सपीरियंस करेंगे जाने के बाद कि आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। जो भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। बिकॉज एक बार आपकी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो गई ना, तो जो अभी की कॉन्शियसनेस के वजह से आपकी प्रॉब्लम है वो सब क्लियर हो जाएगी करके। इज इट क्लियर? तो आप उसको अभी साइलेंटली ले लीजिए, ब्लाइंडली ले लीजिए। जैसे मैंने भी 10 साल पहले बहुत साइलेंटली ले लिया था, बिकॉज मुझे जो बंदा यहाँ लेके आया था वो रजनीकांत जो एक्टर थे उनके साथ बार बार यहाँ आते थे, तो वो मुझे लेके आए यहाँ पे, और उनके ही चैनलाइजिंग में आया था कि मुझे यहाँ पे आना है करके। तो मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया कि अगर कुछ आया है मैसेज तो चलो लेट मी फॉलो इट करके, इज इट राइट। तो प्लीज़ कल हम सुबह यहाँ पे 7 to 8 फर्स्ट बैच शक्तिपात करेंगे, अट्यूनमेंट करेंगे यहाँ पे, और वो बैच बाबा जी के उस जाएगी। फिर सेकंड बैच 8 to
9 वाली बैच होगी उनकी शक्तिपात होगी, वो लोग भी यहाँ से जाएंगे, 7 to 8 और 8 to 9 दो बैच यहाँ से जाएगी, और जो तीसरी बैच है वो जो दूसरे जगह पे आश्रम पे रुकी है वो बैच जाएगी। हम रश नहीं करना चाहते, हर एक को एक अच्छा समय यहाँ मिलना चाहिए, बिकॉज इतना आप ट्रैवल करके आए, इतना पैसा खर्च करके आए, तो प्लीज़ इसको साइलेंटली अच्छे से इंजॉय करके जाइए करके, इज इट राइट। नॉर्मली हम 25-30 लोगों से ज़्यादा यहाँ पे बाबा जी के उसके रिट्रीट में लेते ही नहीं हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पॉडकास्ट आ गया और उसके बाद काफ़ी लोगों को अंदर से इच्छा हुई कि हमें आना है, तो हम रोक भी नहीं पाए लोगों को। जैसे शिरडी में भी हम 30 से 35 से ज़्यादा लेते नहीं, लेकिन 109 लोग हो गए थे शिरडी की रिट्रीट में। सेम अभी अहमदाबाद में ऐसे हुआ, 15 से 20 के जगह पे 61 हो गए। तो कहीं ना कहीं अभी इनकी इच्छा है कि 2025 में जो कुंभ का मेला आएगा उसके पहले ही हमें अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है ना। काफ़ी लोगों का तो नेक्स्ट ईयर होगा, हम लोग लकी है कि शनि के साल में 2024 में ही हमारा अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो शायद हम लोग कुछ पुण्यशाली है कि हमारा एक साल पहले अपलिफ्टमेंट शनि भगवान कर रहे हैं, सिर्फ हमारी थोड़ी परीक्षा ले रहे हैं लेकिन अपलिफ्ट भी कर रहे हैं। दोनों चीज़ें साथ साथ में होती है, परीक्षाएं भी होती है, हमारी टेस्टिंग भी होती है, और हमें मौका भी दिया जाता है करके, इज इट राइट। तो अब जो भी है अल्टीमेटली हम यहाँ पे आ गए हैं, कल यहाँ से हम जाएंगे, वहाँ मेडिटेशन करेंगे, केव्स में करेंगे, और उसके बाद में वापस यहाँ पे आएंगे। रात को यहाँ पे वननेस का रिग्रेशन होगा, वननेस का मेडिटेशन होगा, वननेस का कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे करके, इज इट राइट। क्योंकि बहुत सी एनर्जीज वहाँ लेने के बाद हमें ग्राउंडिंग करके यहाँ से जाना होगा, बिकॉज वापस हमें घर गृहस्थी में जाना है, अपनी फैमिली लाइफ में जाना है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, तो डेफिनेटली हाई एनर्जी लेके नहीं जाना है, है ना। यहाँ मदर अर्थ से जो भी एनर्जी लेंगे तो वो एनर्जी हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को यहाँ से पास करते हुए जाएंगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे हम यहाँ पे। तो कल भी केव्स में आपको यही करना है, वहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे आपको, कोई आपको गाइड नहीं करेंगे वहाँ पे, वहाँ जाके केव्स में साइलेंटली बैठना है, बस सांसों पे ध्यान देना है, और जो भी होता है उसे महसूस कीजिएगा, आँख में से पानी आ रहे हैं, यॉनिंग हो रही है, सर भारी हो रहा है, जैसा भी नौशिया जैसा जो भी हो रहा है होने दीजिए, और उसके बाद जब आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको साइलेंटली आ जाना है, वहाँ कोई कुछ भी हम लोग सेशन नहीं करने वाले, इज इट राइट। क्योंकि हम लोग सब अलग अलग रहेंगे तो डेफिनेटली हम सेशन नहीं भी कर पाएंगे, राइट। इसलिए हमारा ये पूरे साल में ये एक ही रिट्रीट होता है बाबा जी की रिट्रीट के, जहाँ पे हम लोग थियरी कम लेते हैं, हम लोग कुछ सिंबल्स नहीं लेते हैं, हम लोग कोई वन टू वन रिग्रेशन नहीं करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल कुछ नहीं होता है, बिकॉज जब यहाँ पे इतना भंडार पड़ा हुआ है तो हम क्यों अपने ह्यूमन साइकोलॉजी से आपको अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, जब ऊपर वाला बैठा है आपको अपलिफ्ट करने के लिए, इज इट राइट। बाकी सारे रिट्रीट्स में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें लगता है हमें साइंटिफिक नॉलेज देना है, आपका लेफ्ट ब्रेन ओपन करना है, आपका राइट ब्रेन ओपन करना है, आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकालनी है, लेकिन ये रिट्रीट में हमें सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस राइज करनी है, आपको बस बैलेंसिंग करवाना है, आपको वननेस में ले आना है, और इससे अच्छी जगह दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है, मुझे ऐसे लग रहा है करके, इज इट क्लियर। तो जो भी आप अपने प्रॉब्लम्स लेके आए हैं ज़्यादा यहाँ डिस्कस ना करें, ज़्यादा कोई यहाँ पे आपके ऊपर इंडिविजुअल प्रोसीजर भी नहीं होगी कि भाई मैं प्रॉब्लम बोल दूंगी तो आप हमारे ऊपर कुछ काम कर पाओगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो बाबा जी वहाँ करेंगे, बिकॉज इतने सालों से वो एक जगह पे है और वो सबको ब्लेस करते हुए आ रहे हैं, और हम फिजिकली वहाँ पहुँच के ब्लेसिंग ले रहे हैं, ये बहुत हमारी भाग्यशाली वाली बात है, वी आर रियली लकी पीपल, इज इट राइट। तो छोटी छोटी चीज़ों में उलझे नहीं कि भाई कहाँ आ गए, कैसे आ गए, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये सब चीज़ें होते रहती है। अभी मैं अपनी पर्सनल कार भी लेके आया हूँ, थार लेके आया हूँ दिल्ली से, तो भी मेरे 13 आवर्स चले गए ड्राइव करते करते, है ना। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें कम्फर्टली आपको सब चीज़ें मिलेगी, बहुत परीक्षा होती है हमारी। कल से 3 दिन से मुझे फीवर भी है, मुझे कफ कोल्ड भी है, ट्राई कर रहा हूँ साइकिक सर्जरी करते हुए, हीलिंग करते हुए, चक्र बैलेंस करते हुए, कि फीवर ज़्यादा ना बढ़े, इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़े, बिकॉज पहले शिरडी की रिट्रीट हुई, फिर हमारी अहमदाबाद में रिट्रीट हुई, फिर यहाँ पे हुई, नॉन स्टॉप हमारी ट्रैवलिंग चल रही है करके, तो रेस्ट ही नहीं मिल रहा है हमें। बट एनी हाउ अच्छा लग रहा है जब आप लोगों को देखता हूँ मैं, कि चलो पॉडकास्ट के बाद इतना इमीडिएट डिसीजन लिए काफ़ी लोगों ने, और बाबा जी के यहाँ पे आने का डिसीजन तो सबसे बड़ा डिसीजन होता है,
जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है और तो भी आप यहाँ पे सरेंडर होके आए हैं, तो दैट इज़ द रियली डिवाइन कॉलिंग। कितने लोगों के कैंसलेशंस हो गए, बट एनी हाउ वी आर लकी के बाबा जी ने बुला लिया हमें यहाँ पे, राइट। तो प्लीज़ आज साइलेंटली सो जाइए, एकदम रेस्ट कीजिए, और कल मॉर्निंग में हम लोग 7 o'clock to 8 o'clock जो भी लोग तैयार है, कोई ऐसा रश नहीं करना है कि नहीं मुझे जल्दी सुबह उठ के तैयार होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग होता है, तो आराम से उठिए, खाइए पिए, नाश्ता कीजिए। जिनका जो पहले 15 लोग होंगे इनका फर्स्ट बैच में अट्यूनमेंट होगा, जो बाकी 15 होंगे फिर इनका सेकेंड अट्यूनमेंट यहाँ पे होगा। तो ऐसे नहीं होगा कि भाई जो जल्दी आएंगे उनको कुछ ज़्यादा मिलने वाला है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होगा। इज़ इट ओके, राइट। और ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट कीजिए, बिकॉज फिर थोड़ा ट्रैक करना है हमें, 40 मिनट्स का ट्रैक है, कोई बड़ा भी ट्रैक नहीं है, आराम से चढ़ पाएंगे। हमारे जितने भी यहाँ पे बाबा जी के यहाँ रिट्रीट्स हुए तो 70-75 प्लस के लोग भी आए और वो भी चढ़ पाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करके, क्योंकि ये वो स्ट्रेंथ देते हैं, माँ शक्ति देती है, ये भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम पहुँच जाएंगे, राइट। जो लोग जो भी सीखे हुए हैं उसका इन्वोकेशन करें, उसका प्रेयर कीजिए और उस आह्वान में वहाँ ऊपर पहुँच जाइए। ज़्यादा कोई चीज़ें ऊपर ले मत जाइए, बिकॉज जितना कम सामान लेके जाओगे ना बेटर रहेगा करके, राइट। आप सोचोगे ये कपड़े ले जाऊँ, ये लेके जाऊँ, वो लेके जाऊँ, फिर ऊपर चढ़ाई में तकलीफ होगी, नीचे उतरने में तकलीफ होगी करके, ठीक है कि नहीं। सिर्फ आपकी कोई भी एक जैकेट वगैरह होगी या शॉल होगी और एक पानी की बॉटल, और आपकी अगर कोई पर्सनल क्रिस्टल रहे तो ले जाना, अदरवाइज ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है करके, ठीक है। हल्के होके जाना है, हल्के होके आना है वहाँ पे, इज इट ओके। कोई बड़ी बैकपैक लेके कुछ जाना नहीं है वहाँ पे, और कुछ ये नहीं होने वाला है, ठीक है। एनी क्वेश्चन बिफोर वी एंड, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कल फिर हम बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। आज सब लोग टायर्ड हैं, मैं समझता हूँ अभी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है सभी को, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन अबाउट टुमारोज? हम लोग जो भी टीम मेंबर हैं, उस टीम मेंबर आपके साथ कोई ना कोई आगे पीछे होगा, तो ऐसे मत सोचिएगा कि भाई हमको ऐसा ही छोड़ा जाएगा। हम 10-12 लोगों के साथ कोई एक बंदा हमारे साथ होने ही वाला है करके, हर बैच में एक बंदा होगा। सिर्फ केव्स में ना 2-3 मिनट से ज़्यादा मत बैठिएगा, बिकॉज दूसरे को भी चांस देना है हमें। काफ़ी लोग घंटों तक बैठ जाते, हिलते ही नहीं, निकलते नहीं है, तो फिर बेचारे दूसरे डिस्टर्ब होते हैं, बिकॉज एक टाइम पे 8 ही लोग केव्स में बैठ सकते हैं, और केव्स के थोड़े नीचे आएंगे ना तो इतना बड़ा हॉल है। तो अगर आपको लगता है मुझे ज़्यादा देर मेडिटेशन करना है और ज़्यादा पावर लेना है और कुछ कनेक्ट होना है, तो नीचे हॉल में बैठ जाइए। जब मैं पहली बार आया था 2014 में, तो हम लोग केव्स में गए थे, हम लोग 10 मिनट से भी ज़्यादा बैठे नहीं, लेकिन फिर ऐसे कुछ लग रहा था कि कुछ भारी है, तो सबने मुझे बोला कि हम 12 लोग थे कि भाई हम यहाँ हॉल में थोड़ी देर बैठ जाएं, तो मैंने कहा बैठ जाओ, मैं आपका अट्यूनमेंट शक्तिपात कर लूँगा करके। और जैसे वो बैठे 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 कब सो गए, मैंने अट्यूनमेंट किया और 3.5 घंटे के बाद उठे सब लोग, 3.5 घंटे तक हॉल में कब सोए पता ही नहीं चला। जब उठे तो उन्हें लगा कि अभी सोए, और हमने किसी को उठाया भी नहीं। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना सोल कॉन्शियसनेस का, क्या आउट ऑफ द बॉडी वो चेतना जाती है, वो एक नया फॉर्म लेके वापस हमारी बॉडी में आती है, तो उसका वो टाइम आपको थोड़ा देना पड़ेगा, चाहे वो हॉल में दो या यहाँ पे हॉल में आने के बाद दो, लेकिन केव्स में ज़्यादा नहीं बैठना है, कहने का मतलब है, ठीक है कि नहीं। थोड़ी देर बैठा, बाबा से ब्लेसिंग ले ली और आ गए, माथा टेका और आ गए करके, है ना। बस ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए कि आपने मुझे बुलाया, राइट। सबके लिए एक भाव होना चाहिए कि मेरे फैमिली के बिहाफ पे हम यहाँ पे आए हैं, तो सबको प्लीज ब्लेस कीजिए। बस वो एक इंटेंशन लेके आपको जाना है वहाँ पे, इज इट क्लियर। तो कल हम 7 o'clock को मिलते हैं, और जिसको आराम से उठना है तो 8 बजे भी उठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज केव्स पूरा टाइम वहाँ शुरू रहता है। 6 बजे तक हमें कैसे भी नीचे आना पड़ता है, अंधेरे में फिर नीचे नहीं आना होता है, है ना। तो जिसको अगर लंच करना है तो 2-3 बजे तक 2 बजे तक यहाँ पे आ जाए, जिसको लंच नहीं करना है वो 3-4 बजे तक भी वहाँ बैठेंगे, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ कोई आपकी क्लास छूटने वाली नहीं है, इज इट राइट। क्योंकि अभी कोई इंस्ट्रक्शन देगा नहीं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ व्हाट्सअप नहीं चलते, फ़ोन कॉल्स नहीं चलते, तो हम आपको अपडेट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ सब समझा रहा हूँ, इज इट क्लियर। तो हमें ज़्यादा समय अपने साथ स्पेंड करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ क्लास में भाग के आना है या दौड़ के आना है, कुछ इंडिविजुअल ये किसी टीम मेंबर को पकड़ के बोलना है मेरा ये प्रॉब्लम है, या प्लीज़ डिस्कस किसी से मत कीजिएगा, जस्ट बी इन योर ओन वर्ल्ड,
और जितना साइलेंट रहोगे अच्छा है। रूम पार्टनर से भी ज़्यादा बातें मत किया करो कि तुम कहाँ से आए, क्या है, वो है, क्योंकि ये साइलेंट जोन है ना। साइलेंट जोन में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए ज़्यादा, हमें कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने नहीं है, नेगेटिविटी को छोड़ना नहीं है, यहाँ की जगहों को पॉल्यूट नहीं करना है। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।